तो आप सभी के फेवरेट टीवी शो इमली में आखिरकार इमली को ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आपको बता दूं कि एक काफ़ी इमोशनल सीन शूट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई है, यानी कि सुंबुल तौकीर खान को क्या हुआ। ये लगातार BTS वीडियोस यानी कि बिहाइंड द सीन्स वीडियोस हो रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल। चलिए आपको दिखा दूँ आखिरकार इमली क्यों है इतनी उदास इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल, आप सभी की चहेती इमली यानी कि इमली टीवी शो में इमली का किरदार निभाने वाली सुंबुल तौकीर खान के कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो एक इमोशनल सीन शूट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रही हैं। वह लगातार उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बैठी भी नज़र आ रही हैं, और इस वीडियो को वायरल किया है शो में ही मौजूद प्रीत ने। प्रीत लगातार उस इमोशनल वीडियो को शूट करते हुए दिखा रही हैं कि किस तरीके से सुंबुल काफ़ी थक चुकी हैं एक इमोशनल शूट करने के बाद, जिसके बाद उन्हें स्माइल करने के लिए बोला जा रहा है तो भी वो स्माइल भी नहीं कर पा रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इमली टीवी शो अभी एक बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसिव मोड पर खड़ा हो चुका है, यानी कि अभी के लेटेस्ट ट्रैक की बात करें तो आप सभी को पता है कि मालिनी ने सुसाइड कर लिया है, और अब आने वाले हफ्ते में आप ये देखेंगे यानी कि आने वाले एपिसोड्स में कि अब मालिनी की माँ इमली की बजाने वाली है बैंड, यानी कि सिर्फ इमली की ही नहीं, इमली और आदित्य की। और अब फाइनली मालिनी ठीक होने के बाद पूरी कोशिश करेंगी आदित्य और इमली को अलग करने की। तो अब आने वाले एपिसोड्स होने वाले हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग। सो गाइज, हो जाइए तैयार। फिलहाल आप देखिए ये वायरल वीडियो जो कि इमली के वायरल हो रहे हैं कि आखिरकार इमली किस तरीके से अपने शूटिंग स्पॉट पर क्या कुछ कर रही हैं, कैसे वो अपनी खिचड़ी एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, तो कैसे इमोशनल सीन शूट करने के बाद काफी इमोशनल खुद हो गई हैं। सो गाइज, आप भी देखिए वायरल वीडियो और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें कि आप सभी को ये इमली टीवी शो कितना पसंद आ रहा है, और खास तौर पर सुंबुल तौकीर खान यानी कि इमली की एक्टिंग कितनी है पसंद, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।